हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो यूट्यूब चैनल्स या फिर किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो या फिर आप व्लॉग शूट कर रहे हो तो उसके लिए आपका कौन सा वायरलेस माइक है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने वायर्ड जो यूज लिया था, वायर्ड माइक्रोफोन था जो बोया का था। ठीक है, काफी अच्छा था इसका साउंड भी और नॉइस कैंसिलेशन भी इसका अच्छा था, लेकिन इसमें इश्यू ये आता था कि ये बार बार ऐसे वायर है जो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, इनको अलग अलग करने में काफी दिक्कत रहती है, इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे दो चैनल का माइक्रोफोन चाहिए था, तो इसको मैंने अब रिप्लेस कर लिया है अपने नए माइक्रोफोन के साथ, जो है ये बोया। ठीक है, बोया का माइक्रोफोन है और इसके अंदर है ये टू चैनल है, 2.5 GHz का है। ठीक है, इसका नाम है BY-V20, इसका जो सीरियल नंबर है या फिर मॉडल नंबर बोल सकते हैं, V20 बोया का। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है और इसके अंदर टोटल तीन चीजें आती है आपके, दो तो आएगा इसमें और माइक आएंगे और एक आएगा रिसीवर है। ठीक है, इसके अंदर और क्या फीचर्स है तो उसके बाद करिए, ये सी टाइप का है, अलग अलग भी आता है, जैसे आपके सी टाइप के अंदर भी आता है, 3.5 mm के जैक भी मिल जाएंगे इसका और ये आईफोन के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग आएगा, 50 मीटर तक ये इसकी रेंज दिखा रहा है, 50 मीटर वायरलेस ट्रांसमिशन, और बैटरी इसकी है वो 9 घंटे तक लगभग चलेगी, 9 आवर का इसका बैकअप है बैटरी का। तो ये है सारा का सारा 360। इसके अंदर एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है जिसका यूज करके आप जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी कर सकते हो, और काफी अच्छे फीचर्स भी है इसके अंदर। ठीक है, और म्यूट कंट्रोल का भी इसके अंदर ऑप्शन है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग ये 3,500 के आसपास का इसका प्राइस है और काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और बॉक्स के अंदर आपको मैंने बता ही दिया कि दो माइक्रोफोन आएंगे और उसके साथ आपको इस तरीके का एक माइक्रोफोन आएगा छोटा सा जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है, और इसके साथ एक माइक मैंने लगा रखा है, जो भी आप वीडियो की क्वालिटी सुन रहे हैं वो इसी माइक के थ्रू रिकॉर्ड की जा रही है, तो आपको आइडिया हो जाए कि इसके माइक की साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन है तो अभी मैं आपको ऑफ करके भी दिखा देता हूँ कैसी आवाज आ रही है। अभी ऑन है, अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन को बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नॉइस है नहीं तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप चेक कर लीजिए कि आपको कैसा मतलब अलग लग रहा है। अभी नॉइस कैंसिलेशन है एक्टिव, वो बंद हो रखा है। ठीक है, और अभी है जो मैंने वापस इसको ऑन कर लिया है। तो इस तरीके का माइक है, बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा माइक है और इसकी प्राइस भी काफी रिजनेबल है, और काफी आप अगर टू चैनल का लेते हैं तो एक चैनल लेने में ज्यादा बेनिफिट नहीं है, टू चैनल में आप इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो वन चैनल का जो आता है लगभग लगभग 1500 या 2000 के आसपास ही आएगा आपका, लेकिन टू चैनल है तो लगभग 3,500 के आसपास ये मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसमें, और काफी साउंड क्वालिटी तो आप सुन ही रहे होंगे, तो काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो आप इसको इजिली अमेजन से या परचेस कर सकते हैं, मैंने इसको लोकल मार्केट से ही परचेस किया है। इसकी जो MRP की बात करें तो काफी ज्यादा हाई लिखी हुई है इसके अंदर, लगभग 4,750 रुपये इसकी जो है MRP लिखी हुई है, और आपको लगभग 3,000-3,500 के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था बोया माइक का रिव्यू, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजन लिंक, तो आप वहां से उसको परचेस भी कर सकते हैं। थैंक यू।